खबर रीवा से है, जहां जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत माड़ो के पास नवाडीहिया गांव में कुएं में भालू गिर गया। कुएं में भालू होने की खबर लगते ही मौके पर देखने वालों की भीड़ लग गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी। वन विभाग और पुलिस की टीम ने रेस्क्यू कर 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भालू को सुरक्षित बाहर निकालकर मुकुंदपुर स्थित टाइगर सफारी भेज दिया। दरअसल भालू शनिवार की रात कुएं में गिर गया था। लोगों को इस बात की सूचना रविवार को लगी। जब ग्रामीण उस कुएं के पास पहुंचे तो गांव वालों ने सुना कि कुएं के अंदर से एक अजीब तरह की आवाज आ रही है। आवाज सुनते ही ग्रामीणों ने तुरंत उसको देखा, जहां भालू पानी में इधर से उधर चल रहा था। भालू पानी में होने के बाद भी किसी तरह से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था। वहीं आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी जैसे ही लगी, भालू को देखने ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस और वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से भालू को निकालने का काम शुरू किया। पहले तो डंडे के द्वारा उसको बाहर निकालने का प्रयास किया गया, जिसमें सफलता नहीं मिली। उसके बाद जाल बनाया गया और जाल के माध्यम से 3 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर भालू को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राहत की बात ये रही कि कुएं में पानी कम था, जिसकी वजह से भालू सुरक्षित था। मुकुंदपुर टाइगर सफारी से डॉक्टरों की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी, जिनके द्वारा भालू की जाँच की गई। जाँच के बाद वन विभाग की टीम द्वारा भालू को टाइगर सफारी में भेज दिया गया। ऐसा माना जा रहा है कि भालू भूखा रहा होगा और खाने की तलाश में गांव की तरफ गया होगा। अंधेरा होने के चलते उसे कुआं दिख नहीं पाया होगा और वो उसमें गिर गया होगा। सुबह हमें सूचना मिली थी पुलिस कंट्रोल रूम से कि यहाँ पर हमारे गांव में भालू गिर गया है। उस सूचना के तारतम में तत्काल हमारे जो बैकुंठपुर के TI साहब थे, उन्होंने हमें सूचना दी। उस सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम यहाँ पर आई। साथ ही बैकुंठपुर के जो डॉक्टर साहब हैं, उनकी टीम, रीवा की रेस्क्यू टीम, सभी यहाँ पर आए और उन्होंने इसका भालू पर सफल रेस्क्यू कर लिया है। अच्छी बात यह है कि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में ना तो पब्लिक से कोई घायल हुआ है, ना ही वन्य प्राणी घायल हुआ है। पब्लिक के ही सहयोग से सब संभव हो पाया है। सभी के सहयोग के लिए हम शासन की तरफ से सभी का धन्यवाद। कलीम टेम्परेचर देखो बेटा, टेम्परेचर ओ जीरो, चलो ठीक है। भैया ब्लॉक रखना, पकड़ा रहे इसको, हाँ वो पकड़ा है।